साई राम, मेरा नाम सोनिया है और मैं साई पूजा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आइए इस हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस हफ्ते में सबसे पहले आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मंगलवार को महाशिवरात्रि है और आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर जहाँ हैं, जहाँ पर भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, उसी हिसाब से आप महाशिवरात्रि की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, बाबा से आशीर्वाद लीजिए और जिस भी प्रकार से आप अपनी शिवरात्रि मनाते हैं उस प्रकार से बनाइए। और आइए देखते हैं कि ये हफ्ता हम लोगों के लिए क्या लेके आया है, बाबा हमको क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है और प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने कमेंट्स में लिखें कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और उठ के कुछ भी आपको अलग लगा है, आपका कैसा दिन जा रहा है, वो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। हम कमेंट्स पढ़ते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, शेयर करते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जो जो भी भक्त सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबा आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कुछ अलग महसूस हुआ, आपको अच्छा भी लगा, 1% भी अगर अच्छा लगा है तो भी आप ज़रूर बताइए। ओम साई राम, जय साई राम। तो आइए सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आज के आपके लिए कार्ड में क्या निकला है। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए निकला है श्रद्धा। तो श्रद्धा और सबरी तो बाबा के दो फेवरेट कहना चाहिए ना कि उनके जो स्तंभ हैं। बाबा अपने भक्तों से हमेशा यही कहते हैं कि आपको बाबा पे श्रद्धा रखनी है। और बाबा जब ये बोलते हैं तो श्रद्धा आपको सिर्फ अच्छे वक्त में ही नहीं रखनी है उन पे, उनको श्रद्धा आप पे आपके बुरे वक्त में भी रखनी है। जब हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, तो बाबा आपको यही कह रहे हैं कि ये आपके कर्मों का फल है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो कि आपको भुगतना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार बोला है कि कर्म से तो कोई नहीं पीछा छुड़ा सकता है। हमको, हमने जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, दोनों ही हमको उसका फल को भोगना पड़ेगा, दोनों ही कर्मों को। तो बाबा यही बोलते हैं कि अगर श्रद्धा रखेंगे तो अगर बुरा वक्त है तो वो कटने में थोड़ा सा मददगार साबित होता है। हमको पता है कि बाबा हम पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। शायद ऐसा कहिए कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को उतना ही दुख होता है जितना कि बच्चे को होता है। और उसी प्रकार हम बाबा के लिए भी बोल सकते हैं कि जब उनके भक्त दुख में होते हैं तो बाबा को भी बराबर दुख पहुँचता है। और ये आप विश्वास कीजिए कि बाबा जल्द से जल्द ये देखते हैं कि आप अपना कर्म का चक्र पूरा करें और बाबा आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके जो दुख के दिन हैं वो सुख में बदलें और जल्द से जल्द बाबा आपको सुख के दिन जल्द से जल्द लेके आएं। और अगर आप लोग बार बार ये बोलेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी आप दोबारा से नया कर्म बना रहे हैं और वो भी गलत कर्म बना रहे हैं। इसलिए अगर दुख का समय है तो चुपचाप भगवान का नाम लेके उसको काटिए। और मैं यही बोलूँगी कि बाबा पे श्रद्धा बनाए रखिए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दुख के टाइम में। और इस दावे के साथ कि जल्द से जल्द आपका दुख का समय ख़त्म होगा, बाबा का नाम लेते रहेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। ओम साई राम, जय साई राम। आइए अब पाइल 2 की बारी देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आया है। फॉरगिवनेस। ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप लोगों ने किसी लोगों को माफ नहीं किया है। वेल, फॉरगिवनेस इज द की, मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बार बार बोलते हैं कि आप पॉजिटिव फील करिए, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, शायद आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो आप उस पॉजिटिविटी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक जो कहते हैं ना गलत भावना है, दिल
आपका दुख रहा है वो आपका दिल हमेशा दुखता रहेगा। बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिन्होंने भी आपके साथ या हमारे साथ या कभी भी किसी के साथ गलत किया होता है उसको माफ़ करना, क्योंकि माफ़ी में ही क्या कह सकते हैं कि माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमको ये चेन तोड़नी पड़ेगी। अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ है या आपने किसी के साथ गलत किया है तो ये भी कर्मा ही है। कोई ना कोई वजह रही होगी कि जिसने आपको दुख पहुंचाया या आपने किसी को दुख पहुंचाया। अपना स्वभाव समझ के इसको बार बार मत टालिए कि मैं माफ़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान माफ़ कर देते हैं इतने बड़े बड़े गुनाह जो कि माफ़ी के लायक नहीं होते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ हैं? तो माफ़ी दीजिए और माफ़ी खुद से भी मांगिए कि इतने दिनों तक अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो आप अपने आप को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो दिल में जो बात रहती है कि मुझे माफ़ नहीं करना, ये आपकी किसी ना किसी बीमारी के रूप में आपके शरीर में निकल के आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग माफ़ करें। साईं बाबा का नाम लें। जब भी मैं बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि अपनी सारी परेशानी, अपना सारा फ्रस्ट्रेशंस, अपने सारे नेगेटिव इमोशंस बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए, इसका मतलब यही है कि आप अपनी माफ़ी भी बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। आप माफ़ कर दीजिए, आप अपनी तरफ से सामने वाले को माफ़ कीजिए और बाबा को डिसाइड करने दीजिए। और बाबा भी कुछ नहीं डिसाइड करते हैं, ये कर्मा ही होता है जो सब कुछ कहते हैं ना कि नियति ने लिख रखा है, ये उस पर छोड़ दीजिए आप। और खुद कोई गलत काम मत कीजिए, खुद अपने मुंह से कुछ अपशब्द मत बोलिए। और जैसा कहते हैं ना कि बस बड़े बुजुर्ग बोल के गए, सबकी करनी अपने अपने साथ होती है, तो उसकी करनी उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ। तो बाबा का मैसेज पे ध्यान दीजिए और सबको माफ कीजिए। ओम साईं राम। तो आइए पाइल 3 का कार्ड देखते हैं उनके लिए क्या निकला है। पाइल 3 के लिए निकला है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है किसी चीज पे नियंत्रण, किसी कार्य को करते रहना या बीच में से ना उस कार्य को छोड़ना नहीं, चाहे फिर आप वो प्रार्थना ही क्यों ना हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक दो बार प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। कोई भी नियम बांधते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, अपनी मेहनत बराबर करते रहिए, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी में हो, प्रार्थना हो, चाहे वो आपका घर का कार्य हो या कोई ऑफिस का कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी मेहनत हो। अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो हमको कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करनी पड़ती है। कोई भी रिजल्ट जब हमें चाहिए होते हैं तो हमको लगातार मेहनत करनी चाहिए। हम कुछ दिनों की मेहनत पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, वो बराबर मेहनत करते हैं। प्रातःकाल उठना, जो भी उनका कार्य रहता है वो बराबर उठते हैं और उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी हैं, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो बराबर वो लोग ये नहीं कि एक महीने पढ़ाई करी और छोड़ दिया। चार चार, पाँच पाँच, छः छः, दस 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 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर जाके उनको डिग्री हासिल होती है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि बीच रास्ते में अपना कोई भी काम मत छोड़िए। और करेज इज अ मेन वर्ड हो भैया, कि करेज है आपके अंदर हौसला है, उस हौसले को बरकरार बनाए रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। बाबा का नाम ले लेके मेहनत कीजिए, आप देखिए कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और अगर आपके लिए कार्ड आया है तो ज़रूर से कोई ना कोई आपका ऐसा कार्य है जो आप करना नहीं चाह रहे हैं या गिवअप करना चाह रहे हैं या छोड़ देना चाह रहे हैं, वैसा कोई कार्य मत कीजिए। बाबा का नाम लीजिए और अपना जो भी अधूरा कार्य है उसको पूरा कीजिए। टाइम लग सकता है लेकिन उसको बीच में मत छोड़िए। और यही आज के मैसेजेस हैं और बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं बाबा के। श्रद्धा, दैट इज फेथ, फॉरगिवनेस एंड परसिवियरेंस। इसी विश्वास के साथ कि आप लोग बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखेंगे और साई पूजा चैनल देखते रहिए, ऐसे ही बाबा के मैसेजेस पाते रहिए और जिंदगी से हताश मत होइए।
क्योंकि बहुत आसान होता है गिव अप करना, लेकिन गिव अप मत कीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। माँ शिवरात्रि की फिर से मैं कहूँगी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग अपना ख्याल रखिए और बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखिए। ओम साई राम, जय साई राम।